हेलो गाइस, देखो मैं आज आपको दिखाता हूँ मैंने जो नींबू का पेड़ लगाया था घर पे, नींबू पपीते कड़ी पत्ता सब लगा रखा है। मैं दिखाता हूँ उसे कितने सारे नींबू लगे हुए हैं, ये देखो दिख रहे हैं। बाकी मैं दूसरा बैक साइड कैमरा करके दिखाता हूँ कितने सारे नींबू लगे हुए हैं इस पर। और डेली हम तीन चार नींबू तोड़ ही लेते हैं। अब दिखाता हूँ कितने सारे हैं, तो उस पर कितने सारे नींबू लगे हुए हैं, ये देखो ये अभी तो अभी छोटे छोटे हैं और डेली एक दो टूट के गिर जाते हैं। मैं दिखाता हूँ देखो कितने सारे लगे हुए हैं, ये देखो गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं, ये देखो डेली इसमें से एक ना एक दो टूट ही जाते हैं, ये देखो बड़ा अच्छा। और इस साइड देखो पूरा भरा हुआ है पेड़। और मैं नीचे दिखाता हूँ तो शायद देखो एक ये पड़ा हुआ और एक ये पड़ा हुआ पीले होके डेली एक ना एक गिर जाता है। और भाई इतनी अच्छी स्मेल है इनके अंदर, इतनी बढ़िया स्मेल है, जो हम नॉर्मल दुकान पे से नींबू आते हैं ये मंडी में से उसमें तो वो स्मेल होती भी नहीं जो इसके अंदर आती है। एक और टूटा, ये देखो एक और आया पक्के टूट गया अपने आप। दो और भाई तीन, ये देखो तीन नींबू बिल्कुल फ्रेश पेड़ पे से टूटे हुए अभी के अभी, ये देखो। तो जिनको मैं नहीं करूँगा बीच बीच में इनके हम थोड़ा सा ना वो खोदी वगैरह मारते रहते। देखो लब भरा है बिल्कुल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तो एक ही डाली पे अभी हैं इतने ही। और भाई इसमें वो ज़्यादा है, काटे लग रहे मेरे, बाकी मैं बाहर जाके दिखाऊंगा। बाकी अब की बार बड़ा अच्छा फल आया भाई इस पर। पपीते का पेड़ मैंने पहले भी दिखाया था, ये देखो इस पर पपीते भी लगे लंबे वाले, ये भी धीरे धीरे बड़े होने वाले, ये छोटे हैं ये भी लग रहे हैं और ये भी लग जाएंगे। दूसरा पेड़ है उसमें लंबे वाले लगे हुए हैं, इसमें छोटे वाले लगे हुए हैं, ये देखो और इसमें लगे हुए हैं छोटे वाले। यहाँ तो मधुमक्खी भी आ रही है भाई, चलो ये देखो भाई बड़े बड़े लग रहे हैं ना गोल गोल, और भाई मधुमक्खी आ रही है इस फूल की वजह से ना। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं, एक तो टूट गया था हमारे वो भी पकड़ने के लिए रख रखा है, पक जाएगा तब दिखाएंगे। इस पे लगा हुआ है भाई अपना, ये देखो बढ़िया बगीचा बन रहा है, ये देखो ये चाइना रोज, ये देखो अभी तो भी और खेलेंगे, खेले नहीं है ढंग से और खिल के। और इसके पीछे ही जस्ट है नींबू का पेड़ जो मैंने नींबू तो दिखाई दिए सबको, ये लगे हुए कितने सारे लब भरे हुए हैं ऊपर तक। और ये है कड़ी पत्ते का पेड़, ये देखो कितना बड़ा हो गया, और ये तो भी इतना बड़ा हो गया। एक और था मेरे पास, मैंने उसको वैसे ही लगा दिया था, वो तो उसकी सिर्फ जड़ जड़ थी, वो तो बहुत बड़ा हो गया, वो भी दिखाता हूँ अभी। चलो इसको हम अभी कभी रायता बनाते हैं, छोंक वाला रायता, उसके अंदर कढ़ी के अंदर सांभर के अंदर इडली के अंदर सब चीज़ के अंदर डालते हैं। ये देखो भाई अपने पास मोर भी है, घर में सब सुविधा हो रही है, मोर गिलहरी, ये देखो। और अभी इसको रोटी डाली थी, रोटी इसने खा ली है, अब ये पानी पिएगा, पानी पी के फिर ये अपने छत पे, एक ही इसने वो बना रखा है छत पे, वहाँ जाके बैठ जाएगा। तो मम्मी ने कुछ डालती रहती है, और अब शायद ये ना गेहूँ जो पड़े हुए थे कबूतरों के वो इसने खा लिए, और अब ये जाएगा चोंच साफ कर रहा है नीचे रगड़ रगड़ के। ये देखो इतने बड़े बड़े नीम के पेड़ हैं, बड़े बड़े नीम के पेड़ हैं, ये देखो भारत का झंडा भी लहरा रहा है। अब मैं दिखाता हूँ जामुन का पेड़, ये है वो जामुन का पेड़, ये देखो इस पर भी जामुन लगी नहीं, मोटी वाले जामुन का है, एक छोटे जामुन का भी हमारे पास, और एक ये रहा कड़ी पत्ते का, एक और ये कड़ी पत्ते के सिर्फ जड़ लगाई थी मैंने, देखो जड़ में से ही कितने सारे निकल रहे हैं ऊपर तक जा रहे हैं सिर्फ जड़ में से ही, कितना बड़ा हो गया ये, बांधा हुआ है ताकि गिरे ना आंधी में, जैसे बारिश ज़्यादा हुई थी ना तब। और मोर भी वीडियो में आने के लिए बार बार आए जा रहा है, ये देखो, और अभी ऊपर जाएगा धीरे धीरे चल रहा है। गिलहरियाँ भी बहुत है लेकिन इस टाइम चली गई, सुबह कभी गिलहरियाँ भी दिखाऊंगा, और तो फिलहाल मोर ही बचा हुआ है, कबूतर भी गए, गिलहरी बहुत ज़्यादा है।